हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11 यूनिट 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और पोइट्री 2 द लेबरेंट टॉप बाय टेड एंड ह्यूज आप लोग को पढ़ाएंगे। ये आपके यूनिट 2 में ये पोएम है, द लेबरेंट टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज। टेड ह्यूज जो है इनका पूरा नाम था, जो यहाँ पोएट है इनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स ह्यूज। इनका जन्म हुआ था अगस्त 1730 में और इंग्लैंड में। ही वॉज ए ग्रेट पोएट, इंग्लिश पोएट। इनका जितना भी पोएम उन्होंने लिखा है ज्यादातर इंग्लिश में लिखा है। हुज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्स इज विदाउट सेंटिमेंटली एम्फसाइजिंग द कनिंग एंड सेवजरी ऑफ एनिमल लाइफ इन हार्स समटाइम्स डिसजॉइंटेड लाइंस। इन्होंने इनको चाइल्ड चिल्ड्रेंस पोएट भी कहा जाता है और मेनली एनिमल्स पोएट। अब देखिए इस पोएम को, इनका इस पोएम का मैं समरी जो है पहले मैं हिंदी में आपको बता दूंगी, उसके बाद लाइन टू लाइन इसका इंग्लिश हम बताएंगे। लेबरेंट टॉप, कवि अपने अनुभव का वर्णन करता है कि वो लेबरेंट वृक्ष में क्या देखता है। यह वर्णन करने से शुरू होता है कि पेड़ के पत्ते पीले कैसे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने नोटिस किया कि ट्री टॉप अभी भी है और सितंबर के महीने में भी चुप रहता है। शरद ऋतु के मौसम के कारण पेड़ ने अपने सभी पत्ते खो दिए हैं और बीज जमीन पर गिर चुका है। सबसे ध्यान देने योग्य बात है, कवि दोनों का वर्णन करने के लिए पीला का उपयोग करता है, मतलब पीला रंग का उपयोग किया है। पत्तियों का रंग और धूप दोनों ही पीला है इस समय। यहाँ पर पीला मौन, मृत्यु और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार वह इस रंग का उपयोग करता है और पूरी तरह से पूरी सेटिंग का वर्णन करता है। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि पेड़ की मौत जैसा दृश्य तब सामने आता है जब उस पर एक सुनहरी चिड़िया बैठ जाती है। पेड़ पक्षी के आगमन पर अचानक चीर पूछ ध्वनि करता है। वो चिड़िया की फुर्ती, गति और सतर्कता की तुलना छिपकली से करता है। जब वो शाखा की मोटाई की ओर बढ़ने लगती है तो घोंसले अपनी पंखों को चीरते और फर फड़ाने लगते हैं। इस प्रकार इस आंदोलन के कारण पेड़ भी हिलना और रोमांचित करना शुरू कर देता है। इस प्रकार हमें ध्यान देना है कि कभी पेड़ का वर्णन करते समय दो विपरीत परिदृश्य कैसे देता है। पहले यह था कि वह मौत की तरह था और फिर इस पर पक्षी के उतरने के बाद जीवन मिलता है। इसके अलावा कवि को पता चलता है कि गोल्ड फिंच पक्षी और पे उसके परिवार के इंजन है। जब वो छोटी चिड़िया के लिए भोजन लाती है तो वो दूसरी शाखा के अंत में चली जाती है। वो पक्षी की उपस्थिति का वर्णन करता है, इसका एक धारीदार चेहरा है जो गहरे रंग का है। उसके बाद उसका शरीर पीला है और इस तरह पेड़ की पीली पत्तियों के साथ मिश्रित होता है। अंत में शाखा के अंत तक पहुंचने के बाद वह एक मधुर चहकती हुई आवाज करती है। कवि इस ध्वनि की तुलना काना खुशी से करता है क्योंकि वह असीम आकाश में उड़ जाता है। इस प्रकार पक्षी दोबारा पेड़ को छोड़ने के बाद लवरण का पेड़ एक बार फिर से शांत हो जाता है और मौत के समान हो जाता है। लेबरेंट का सारांश की संक्षेप में हम ये बता सकते हैं कि हम पेड़ और पक्षी के बीच मधुर और पोषण संबंध के बारे में सीखते हैं और कैसे ये दोनों अपने जीवन में इस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी स्टूडेंट्स देखिए इसका लाइन टू लाइन इसका हिंदी में इसका अर्थ को समझ लीजिए, इसको रीडिंग पढ़ना है आप लोगों को। The labyrinth top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight.
यहाँ पोइट बता रहा है जिस सितंबर के मंथ में जब सनलाइट का कलर भी योलो हो जाता है, लेबनान का जो टॉप है उसका ऊपर का जो शाखा है वृक्ष का वो बिल्कुल शांत है, चुप है। लेबनान एक्चुअली हिंदी में अमलतास का जो पेड़ होता है उसको कहा जाता है। ये एक प्रकार का हैंगिंग ट्री होता है, कोई बड़े वृक्ष नहीं होता है। और जब सितंबर का महीना में जब सनलाइट सूरज की किरण भी बिल्कुल पीला रंग होता है, तब इस पेड़ों का पत्तियां जो पूरा झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि इसमें ऑटम का सीजन हो रहता है इस समय, और पेड़ में जितनी पत्तियां है वो भी पीले रंग का हो जाता है, और उसमें जो सूरज का किरण आ रहा है वो भी बिल्कुल पीले रंग है। ए फ्यू लीव्स योलिंग, है ना, फ्यू लीव्स जो बचा है उसमें थोड़ा बहुत जो पत्ते हैं उसका भी रंग जो है योलो हो गया है, पीला रंग हो गया है। ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग, और इसमें जितना भी उसका बीज था वो भी सब नीचे गिर चुका है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच एक प्रकार का पक्षी है, विद ए ट्विचिंग चिरप, वो आवाज करते हैं, करते हुए उस पेड़ पर आती है। ए सडननेस ए स्टेलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और वो पेड़ के अंत में जाके, शाखा के अंत में जाके, वहां जाके वो बैठ जाती है। देन स्लीप एज ए लिजर्ड, लिजर्ड मतलब जैसे छिपकली होते हैं, उसके जैसे वो बिल्कुल चिकनी होती है, और एन अलर्ट और बहुत ज्यादा सतर्क रहती है, एन अब्रप्ट और बहुत ज्यादा वो मतलब चंचल भी होती है। सी एंटर्स द थिकनेस, वो कहाँ चली जाती है, जहां पे उसने घोंसला बना के रखी है अपने बच्चों के लिए, उस घोंसले के अंदर जहाँ झुरमुट रहता है पेड़ का, उसके अंदर वो चली जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और वो अंदर जाने के बाद जो वहां हलचल पैदा होता है, यहाँ को भी कहते हैं कि वो जैसे इंजन की भांति चल पड़ता है, वो पेड़ में भी एक हलचल पैदा हो जाता है। अब चिटरिंग्स एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स, अपने पंखे को फड़फड़ाते हैं, उससे आवाज निकलता है। एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, इससे क्या होता है, जब तक वो पक्षी नहीं आई थी तब तक पेड़ जो था वो बहुत शांत हो गया था, चुप हो गया था, बिल्कुल जैसे लग रहा था उसमें जान ही नहीं है, उसका मृत्यु हो चुका है, इस तरह का वो शांत थी। शुरू में जो हम लोग देखते हैं, शुरू की लाइन में द टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, परंतु जैसे ही वो बाढ़ आती है, वो चिड़िया आती है, तब उसमें इंजन जैसे उसका मशीन चालू कर देती है, वह हलचल पैदा करती है, और वो पूरा पेड़ कांपने लगता है, फिर ऐसा लगता है मानो प्रतीत होता है कि उसमें जान आ गया है। इट इज द इंजिन ऑफ हर फैमिली, है ना, वो पेड़ का जो मशीन जैसे वो चालू होता है, मशीन मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे वो चिड़ियों का जो आवाज होता है, वो जब अपने बच्चों को खाना खिलाती है और वह जाती है अपने पंखों को फड़फड़ाती है, वो जो आवाज आता है उसी को मशीन के साथ कंपेयर किया गया है, और उसको कहा गया इंजिन जैसे वहां पे हलचल, जैसे इंजन चलने से एक हलचल पैदा होता है, इसी तरह का वो पेड़ में भी हलचल पैदा हो जाता है। सी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्रिट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, वो अपना पूरा खाना बच्चों को खिलाती है, अपना काम पूरा करती है, फिर वो एक डंठल के आखिरी छोर पे चली जाती है। सोइंग है बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने चेहरे को, उसका जो धारी वाला चेहरा रहता है उसको दिखाते हुए वो अंत में जाके बैठ जाती है। देन विद एयरी डेलिकेट व्हिसल चिरा व्हिस्परिंग्स सी लंचेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, उसके बाद देन सी एयरी डेलिकेट व्हिसल चिरा व्हिस्परिंग्स सी लंचेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, उसके बाद वो आकाश की ओर मतलब अपना चेहरा दिखाने के बाद फिर से वो आवाज करते हुए वो अनंत की ओर, आकाश की ओर उड़ जाती है, बहुत दूर वो चली जाती है। एंड द लेबरन सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से वो लेबरन पेड़ जो है वो अकेला हो जाता है और शांत हो जाता है,
और फिर पहले के जैसे वो चुप हो जाती है। तो ये था आपका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अभी देखिए इसका समरी के बारे में मैं और एक बार आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट ही विटनेस्ड इन द लेबोरेटरी। इट बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ द लीव्स ऑफ द ट्री आर येलो। मोरओवर ही नोटिसेस दैट द ट्री टॉप इज स्टिल and remains silent even in the month of September. Due to the autumn season, the tree has lost all its leaves and the seeds are on the ground. Most notably, the poet uses yellow to describe both the leaves color and the sunlight. Over here, yellow represents silence, death and beauty. Thus he uses the color and describes the whole setting perfectly. After that, he notices that the death-like scene of the tree comes to an end when a goldfinch bird perches on it. The tree makes a sudden chirrup sound upon the bird's arrival. He compares the quickness, speed, and alertness of the bird to that of a lizard. When the starts moving towards the thickness of the branch, the nestling start chirping, and when she starts moving towards the thickness of the branch, the nestlings start chirping and flapping their wings. Thus, due to his movement, the tree also starts shaking and thrilling. Thus, we notice how the poet gives two contrasting sceneries while describing the tree. First, what that it was death-like, and then it gains life after the bird lands on it. Further, the poet finally realizes that the goldfinch bird and the tree are the engines of her family. When she brings food for the little birds, she moves to the end of the other branch. He describes the bird's appearance. It has a striped face which is dark in color. After that, her body is yellow and thus blends in with the yellow leaves of tree. Finally, after reaching the branch end, she makes a rather sweet chirping sound. The poet compares this sound to whispering as she flies away in the limitless sky. Thus, after the bird leaves the tree, the labyrinth tree once again becomes silent and death-like. To sum up the labyrinth top summary, we learned about the sweet relationship between the tree and the bird, and how they both play such important roles in their lives. अब आगे स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग यहाँ कुछ मैं इस पोएम की द लेबोरेंट टॉप का कुछ वर्ड मीनिंग आपको हम बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे पहले ही मैंने कहा था कि लेबोरेंट एक शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, हिंदी में जिसको हम लोग अमलदास का पेड़ कहते हैं। गोल्डफिंच ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फीडर्स, एक छोटे गाने वाला पक्षी जिसका जो फीडर्स है उसका पंख जो है वो येलो कलर का रहता है। एक्चुअली ये बर्ड जो है, ये पक्षी जो है, येलो एंड ब्लैक दोनों की कॉम्बिनेशन में रहता है। ट्विचिंग मतलब जार्क लगाना, झटका। चिरप शॉर्ट शार्प क्राई एट ए बर्ड, चहचहट चहचहाना। स्टर्टलमेंट मतलब सरप्राइज, चौंकना। तो ये आपका स्टैंजा वन का वर्ड मीनिंग था। आगे देखिए, हिंदी अनुवाद तो मैंने बता दिया, आगे मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। व्हाट हैपेंड व्हेन द गोल्डफिंच कम टू द लेबोरेंट टॉप, डिस्क्राइब द लेबोरेंट टॉप। जैसे दो क्वेश्चन स्टैंजा से अगर पूछा जाए,
पहला जो है व्हाट हैपेंड व्हेन द गोल्डफिंच कम टू द लेबरन ट्री। द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच ब्रॉट अबाउट अ सडन चेंज इन द ट्री। सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द लेबरन टॉप। द लीव्स ऑफ द लेबरन टॉप और टर्निंग योलो ड्यू टू द ऑटम। इट्स सीड्स हैव फॉलन एंड देयर इज ए साइलेंस प्रिवेलिंग ओवर द ट्री। देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। अब सेकेंड स्टैंजा का जो वर्ड मीनिंग है स्लीक। स्लीक मतलब स्मूथ या चिकना। अब्रप्ट मतलब सडन अचानक। चिटरिंग हाई पिचेस नोटिस चहचहाना जो चिड़िया का चहचहाना होता है। ट्रेम्पर मतलब सैकिंग कंपन। ट्रिलिंग्स द एक्ट और साउंड और म्यूजिक कंपन है ना पे पक्षी चिड़िया जो होते हैं उनका कुछ आवाज निकालता है म्यूजिक जैसे उससे कंपन पैदा होता है पेड़ पे उसके बारे में बताया गया। ट्रेम्बल्स मतलब फ्राइटेन। स्पंदन और थ्रिल्स मतलब एक्साइटमेंट रोमांचकारी मतलब बाढ़ आने से पेड़ में जो रोमांच पैदा होता है उस चीज को यहाँ बताया गया। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है। टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर। व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। इसका आंसर ये है द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ लिजर्ड। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक अब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ ए लिजर्ड। सेकेंड द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स। एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन एलिटरेशन। ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स सिग्निफाई दैट द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच ऑफ द लेबरन टॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड द एक्टिविटीज ऑन द ट्री। नेक्स्ट है स्टैंजा थ्री। स्टैंजा थ्री का कुछ मीनिंग देखिए। स्ट्रोक्स कंपेयर मूवमेंट इन सीरीज मतलब भड़काना। फ्लटर्स मतलब फ्लटर्स। एक्चुअली पोएम में कुछ स्पेलिंग अलग लिखा जाता है ये वर्ड एक्चुअली फ्लटर्स। फ्लटर्स मतलब फड़फड़ाना। बर्ड विथ स्ट्रीप्स धारीदार जिसको बर्ड कहा गया है उसका भी स्पेलिंग देखिए यहाँ पे जो हम लोग बर्ड स्पेलिंग लिखते हैं बी आई आर डी ये बर्ड नहीं है यहाँ पे बी ए आर डबल आर ई डी। तो विथ स्ट्रीप्स मतलब धारीदार जो होता है उसको कहा जा रहा है बर्ड। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई मतलब इंडिविजुअलिटी पहचान। ईयरी रेड अनकैनी मतलब अलौकिक भयानक। डेलिकेट मतलब सॉफ्ट कोमल। लॉन्चेस सेट गोइंग उड़ान भरना। इन्फिनिट मतलब बाउंडलेस अनंत जिसको कहा जाता है। सबसाइड्स मतलब शांत होना। सेटल्स मतलब हो जाना शांत हो जाना। तो इसका ये वर्ड मीनिंग इस स्टैंजा का रहा। इसके लिए कुछ क्वेश्चन। व्हाई हैज द वर्ड इंजिन बीन यूज टू डिस्क्राइब हर फैमिली। द वर्ड इंजिन हैज बीन यूज टू डिस्क्राइब हर फैमिली। द इंजिन ऑफ द मशीन स्टार्ट्स अप एंड देयर इज नॉइज मूवमेंट एंड एनर्जी सिग्निफाइंग द एक्साइटमेंट एट द अराइवल ऑफ मदर। हु इज सी। सी इज द गोल्डफिंच हु हैज हर नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द लेबरन ट्री। आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट लेबरन इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। व्हिच लोकल बर्ड इन इज लाइक गोल्डफिंच। डू योर सेल्फ ये आप स्वयं इसको लिखेंगे है ना। लेबरन को आप लोग की लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है और जो गोल्डफिंच पक्षी यहाँ पे बताया गया बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता और कौन सा बर्ड है जो आप लोग आपके आसपास एरिया में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग
एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। आप कविता के आरंभ वो अंत के बारे में क्या अवलोकन करते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम एंड साइलेंट एंड इन द एंडिंग इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। कविता की शुरुआत में पेड़ निश्चल एवं शांत है और अंत में यह गतिविहीन और खालीपन लिए सुनसान है। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। पक्षी की गति की तुलना किससे की जाती है, तुलना का आधार क्या होता है? द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू ए लिजर्ड, द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीप अवर्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ ए लिजर्ड। पक्षी की गतिविधि का छिपकली के साथ तुलना किया गया है। तुलना का आधार गति का चिकना चौकस एवं आकस्मिक फुर्ती है। Why is the image of the engine evoked by the poet? कविता में इंजन से कैसे चित्र की कल्पना होती है? The engine is the source of energy to run machine. It is compared to bird as is to a source of energy for our family. एक चलती मशीन का माध्यम इंजन होता है, इसकी तुलना पक्षी से की गई है क्योंकि ये वह भी अपने परिवार के ऊर्जा का स्रोत है। What do you like most about the poem? आपको कविता में सबसे अच्छा क्या लगा? I like the simplicity and pictorial presentation of the poem. The comparison between bird's movement with machine and lizard made in nice way. Also, chirruping and trilling of goldfinch. मुझे कविता की सादगी एवं चित्रात्मक वर्णन पसंद आया। पक्षियों की गति का मशीन और छिपकली के साथ इसके अलावा गोल्डफिंच की चटचहाट एवं स्वर कंपन भी है। What does the phrase her bare face what does the phrase her bird face identity mask mean? वाक्यांश her bird face identity mask क्या क्या अर्थ है? The phrase means that the bird covered or bird face becomes an identity mask recognition and identity मतलब mask recognition। फिर से सुनिए। The phrase means that the bird's covered or bird face becomes an identity mask recognition। यह वाक्यांश का अर्थ है पक्षी का चेहरा धारीदार मुखौटा जो उसकी पहचान को दिखाता है या करवाता है। तो ये इसके आगे भी आपका और बहुत सारे क्वेश्चंस है, उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे, है ना। पोइम को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। आपकी यूनिट टू के लिए ये पोइट्री में से आपको क्वेश्चंस आएगा और यूनिट टू के लिए आपको ये पोएम द लेबरन टॉपिक पढ़ना है।